इकराम साहब की तरफ जाऊंगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसल्स का मईशत के इस्तेहकाम में कोई रोल अब तक नज़र नहीं आया। आपने तो कहा है कि जनाब जुलाई से फरवरी तक जो है सरमायाकारी कम हुई है, पहले बेहतर थी, तो इसका मतलब है कोई रोल नहीं है सर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। जी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ को अमेंड करके जो उसमें चैप्टर ऐड करके इसको बनाया गया, तो शुरू शुरू में मकसद तो शायद ये था कि हम बाहर की जो सरमायाकारी आती है उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं और ख़ास तौर पर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फिर जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि सरकारी मुलाजमीन कोई फैसला करने को तैयार नहीं होते हैं और उसमें बहुत रेड टेपिज्म था, तो इसको फैसिलिटेट करने बहुत डिमांड होती है सर, बहुत डिमांड होती है जो इन्वेस्टमेंट के फैसिलिटेशन का असल में तो मकसद था। अब उस वक्त दो सवाल पैदा हुए और अभी शाहिद साहब ने भी कुछ फरमाया कि अगर लोकल सरमायाकारी कर रहे हों, यानी कि एनवायरनमेंट ऐसे हों कि सरमायाकारी की गुंजाइश हो, उसमें मुनाफा हो रहा हो और अच्छी खुली फजा हो, तो फिर बाहर से भी लोग आते हैं। अपने लोग जब लगा रहे हों तो बाहर के भी सरमायाकारों को बहुत इस बात का इत्मीनान होता है कि भाई इनके मुल्क में तो बड़ी नई सरमायाकारी हो रही है। अब जब मुल्क के लोग तो 22% जो डिस्काउंट रेट है वो हमने इतने अरसे से रखा, तो महंगाई कौन सी कम हो गई? हम आप जब कहते हैं कि हमने बुलंद शराय सूद इसलिए रखी हुई है स्टेट बैंक ने कि उससे महंगाई कंट्रोल हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि महंगाई तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। जब आप नोट पे नोट छाप जा रहे हैं, वो पहले बैंकों को देते हैं, फिर बैंकों से वही नोट कर्जे के तौर पर लेते हैं, तो इससे बुरी मेरा ख्याल में कोई हिकमत अमली तो हो नहीं सकती है कि हकूमत खुद जो है वो इस कदर कैश जो है वो पुश करे इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी? तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी मुल्की दौलत बढ़ाएंगे, सरमायाकारी करेंगे, और पॉलिसियां हमारी बिल्कुल उसके उलट होती हैं। ना हमारी फिजिकल पॉलिसी ठीक है, ना मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, ट्रेड पॉलिसी भी हमारी ख़राब है, तीनों पॉलिसीज़ का ना आपस में कोई सिंक है, ना कुछ लेना देना है। और जब हम ना डिमांड साइड को समझते हैं, ना सप्लाई साइड को समझते हैं, और उसके नतीजे में हम तबाही की तबाही करे जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था ये कर्जा में जो इजाफा हुआ जिसकी वजह से बजट में तो 7.3 ट्रिलियन का तखमीना रखा गया, वो एकदम से 8.5 ट्रिलियन से ज्यादा कैसे हो गया? जाहिर है कि आपने नए कर्जे लिए बैंकों से, उसका शरह सूद भी बहुत हाई थी, 22% थी। सारा पैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत के खजाने से निकल कर और वो जा रहा है उनकी सेठों की जेबों में जा रहा है, और हम इस चीज़ के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये कितना मुनाफा बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत तो तबाह हो रही है, और अगर वहाँ से हमें टैक्स आएगा भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 बिलियन आ जाएगा, मगर उसके नतीजे में हुकूमत ने कितना पैसा दिया सूद की मद में, ये तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। हम तो IMF के कर्जे को रो रहे हैं, इंटरनल डेट की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है कि अब तो सिर्फ सूद देने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तो डिफेंस भी सारा चला गया आपका उस पर उधार पर और महंगे उधार पर, और सारा बाकी अखराजात भी, तो स्टेट को इसके बारे में बहुत सही फरमाया है कि सलामती का मसला है, ये तो सलामती का मसला है, सलामती का मसला है, लेकिन कोई सोचने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं IMF हुकूमत गठजोड़ से ये हो रहा है सारी प्लानिंग, शाही साहब तो कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।